बिरबल को बुलाया, 15 सिक्के दिए सोने के। और समझिएगा ध्यान से, कितने बड़े शब्द है, छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात है ये। कहा ये 15 सोने के सिक्के 3 जगह खर्च करने हैं। कहां कहां? कहा एक अब के लिए, एक जब के लिए, और एक ना अब के लिए ना जब के लिए। तो बिरबल ने कहा, सरकार कहिए तो अभी करके लाऊं। कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, टाइम है तुम्हारे पास 2-3 दिन का। बिरबल गए और जाने के पश्चात रास्ते में जो उन्हें करना था, जो अकबर ने बताया था, सब कर लिए। और करने के बाद आए, अकबर के पास पहुंचे। काम कर लिया? कहाँ कर लिया, क्या किया, कहाँ कहाँ खर्च किए? कहा महाराज पहली बात आपने कहा था अब के लिए करना है, क्या किया? कहा आपके लिए बढ़िया सा मिठाई लेकर के आया मैं, भोग भोग लो, बढ़िया खा लो, ये आपके अब के लिए है। अच्छा जब के लिए? कहा 5 सिक्के, बीच में कथा चल रही थी और जाकर के ब्यास जी को दान करके आ गए, ये आपके जब के लिए है। और कहा 5 जो बचे थे ना अब के लिए ना जब के लिए, कब बीच में गए, एक नर्तकी नृत्य कर रही थी उसके ऊपर लुटाया, वो क्या है, वो ना आपके अब में है ना आपके जब में है, वो कहीं का नहीं है, उसका कोई मोल भाव नहीं है। इसलिए कथा कहती है कि भोग भोग लीजिए, अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, अच्छे भोजन कर लीजिए, अच्छी गाड़ी ले लीजिए, खूब आनंद से जीवन जिए अपना, उससे जो बचे अपने जब के लिए बना लीजिए, भगवान के लिए कर लीजिए, धर्म कर लीजिए, तीर्थ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, ये आपके जब के लिए हो गया। और बाकी जो मूवी में चला गया, जो रेस्टोरेंट में चला गया, जो घूमने में चला गया, वो ना अब में है ना जब में है, वो किसी में नहीं है। तो भगवान पर विश्वास करिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे राम हमारे जीवन में यही हमें सीख देते हैं।